बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेटल्स। ठीक है, आपके पास मेटल्स आ गए, या मेटल्स के बारे में। और अच्छा जी, मेटल्स में हम जो बात कर रहे होंगे वो होंगे क्या होगा, वो होगा मेटल्स आपके पास। रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेंगे हम, थोड़ी सी एलॉयज की बात कर लेंगे, मेटालिक रिएक्शंस की, थोड़ी सी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़े से मेटल्स की। तो हमें पता है कि मेटल्स में क्या होता है। इन मेटल्स फिक्स्ड एरेज ऑफ पॉजिटिव आयंस आर इमर्स इन सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑलरेडी ये है, स्टडी किया हुआ है हमने। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ग्लू द पॉजिटिव आयंस टुगेदर, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। अ पीस ऑफ मेटल कंसिस्ट्स ऑफ पॉजिटिव मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ब्ला ब्ला ब्ला। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ब्रेक फ्री व्हेन द मेटल आयन। अच्छा, ये जैसे कि आपने देखा कि ये आपके पास जो है वो एक पॉजिटिव आयन्स हैं, उसमें सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब आपस में मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये ऐसे मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये जो है, ये जो बॉन्ड होगा इनके दरमियान, उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ। ठीक है, अब कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको कुछ जो है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि दे आर डक्टाइल। ठीक है, आपको पता है कि दे आर मैलिएबल। ठीक है, आपको पता है कि उनके पास हाई डेंसिटी है। क्यों हाई डेंसिटी क्यों है? बिकॉज द आयंस आर क्लोजली पैक्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक पॉइंट है, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे आर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो घूम रहे होते हैं, फ्री हैं, डी लोकलाइज, रैंडमली बस घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। मेटल ऑक्साइड्स की बात की जब हमने, तो हमने कहा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिस होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, मेटल्स के बारे में हमें पता है कि दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जैसे के पॉजिटिव, कैल्शियम टू पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, आयरन टू पॉजिटिव, लेड टू पॉजिटिव, लेड पॉजिटिव होता है। ठीक है, टू पॉजिटिव होता है। अच्छा, उसके अलावा दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठीक है, ग्रुप वन मेटल्स रिएक्ट विगरसली, कैल्शियम रिएक्ट रैपिडली विद वाटर, मैग्नीशियम जो है इट स्लोली रिएक्ट करता है। बिलो मेटल्स बिलो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, मैग्नीशियम एंड मेटल्स अबव एमजी इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विगरसली विद स्टीम। रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम आगे देखेंगे, विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू प्रोड्यूस एफईओ। ठीक है, वी नो दिस। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा देखें तो मेटल्स कैन बी फाउंड इन ग्रुप वन टू एंड इन ट्रांजिशन ब्लॉक ऑफ द मेटल पीरियोडिक टेबल। टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कंपाउंड डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। द लोअर द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोर इजीली इट्स कार्बोनेट डीकंपोज ऑन हीटिंग। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमने जो है वो देख ली। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है, इसको देख लें। आपके पास आ जाता है फ्रांसियम, सीसियम, रूबीडियम। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में रिएक्टिविटी सीरीज में ये चीजें इंक्लूडेड ही नहीं है, बट हमने कर दी है। ठीक है, इधर आप भी इधर से ही इनको याद कीजिएगा। ठीक है, फ्रांसियम आ गया, सीसियम आ गया, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, रेडियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और प्लैटिनम। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप याद आसानी आपको कैसे होगी याद करने में। ठीक है,
ये आपके पास एक्टिविटी सीरीज है, यहां से तो आप याद कर लें, ठीक है, इसको आप रट्टा मार लें, ठीक है, इसको नीचे को कैसे याद करें, ए है आसिफ, जेड है जरदारी, एफ फ्रॉम एस सिंध, टी पाकिस्तान, एच जो है वो ही कर दें, ही इज गुड स्लैश बैड जो भी आप कहना चाहें, चैप, ठीक है, अच्छा तरीका है, नजर नहीं आ रहा आपको, पहले बताएं, ये देखो यार यहां से बेरिलियम तक आप रट्टा मार ली, ठीक है, नीचे कैसे याद करेंगे, ए इज फॉर आसिफ, जेड जरदारी, फ्रॉम सिंध पाकिस्तान, ही इज गुड स्लैश बैड जो भी आप उसको समझते हैं, चैप, ठीक है, चैप क्या, चैप का मतलब, चैप आपकी दोस्ती है, स्लैंग वर्ड है इंग्लिश का, इंग्लिश अगर आती है आपको, ठीक है, सो दिस इज अ वे टू मेमोराइज द एक्टिविटी सीरीज, आदि आपकी इधर याद हो गई है, ठीक है, तो देख लें, ऊपर का मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे कोई नहीं मिली ऐसे, आसिफ जरदारी मुझे ऊपर वाला नहीं मिला, तो ये एल्यूमिनियम के, बेरिलियम के बाद एल्यूमिनियम से प्लेटिनम आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एलॉयज की, तो एलॉयज क्या होते हैं, हमने हमेशा से देखते आए हैं हम कि एलॉयज जो होते हैं दे आर एलॉय जो होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल हो और नॉन मेटल हो तो वो आपस में जब मिलते हैं तो एक एलॉय बना देते हैं, एलॉय इज मेड बाय मेल्टिंग मेन मेटल एंड देन डिजॉल्विंग द अदर सब्सटेंस, ठीक है, अनदर मेटल और नॉन मेटल इन द राइट प्रोपोर्शन टू, द एम ऑफ एलॉइंग इज टू इम्प्रूव और टू ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्योर मेटल्स आर वीक एंड सॉफ्ट बिकॉज द लेयर्स ऑफ मेटल्स कैन स्लाइड ओवर, ठीक है, The different size atom in an alloy break up the regular packing of metal atoms. This prevents the atoms from sliding over one another. The resulting alloy is therefore harder and stronger and less likely to be distorted out of it. Brass is a mixture of copper and zinc. Steel is an alloy of carbon. Stainless steel mainly iron, chromium, and nickel, and small amounts of carbon. Basically, यार उस वो ये कह रहा है कि देखो ये आपके पास एक एलिमेंट एक्स है और ये आपके पास एक एलिमेंट वाई है, जब आप एक्स और वाई को मिलाते हैं तो एक आपके पास एलॉय बन जाता है, अब एलिमेंट एक्स जो है इट कैन बी अ मेटल और एलिमेंट वाई आप कह दो नॉन मेटल, ठीक है, तो इससे हम एक अच्छा लगा लेते हैं अंदाजा के आपके पास जो है वो एलॉय कैसे बनता है, ठीक है, ये सेम चीज जो है वो ये इधर गिवन है, ठीक है, एलिमेंट वाई है एक और एलिमेंट एक्स है एक और एक एलिमेंट वाई है, ठीक है, इसको छोड़ दें, मैंने ऑनलाइन पिक्चर कॉपी पेस्ट की है, ठीक, अच्छा अब हम बात करते हैं मेटल इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, ठीक है, तो मैं अब आपको बताऊंगा तो आपने लिखना होगा, ठीक है, नहीं नजर आ रहा, अब लिख लें, अब इसका आपने क्या करना है कि अब इसमें बात ही है कि मैं आपको लिखवाने बैठूं तो काम टाइम काफी ज्यादा जाया हो जाएगा, तो मैं आपको इधर ही बता देता हूं कि आप क्या इसमें क्या है,
फ्रांसियम से लिथियम आप आए तो आप देखते हो मेटल नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन गैस आर फॉर्म। कब फॉर्म? व्हेन मेटल नाइट्रेट इफेक्ट ऑन हीट ऑन मेटल इफेक्ट ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट हीट। रेडियम से एल्यूमिनियम, मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन फ्यूम्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन की देख ले तो कुछ नहीं है। जिंक से लेड, मेट मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन में कुछ नहीं होता। कॉपर से गोल्ड, मेटल ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इफेक्ट ऑफ ऑन कार्बोनेट्स, ठीक है। अच्छा जी, इसकी आप पिक्चर लेते थे ना। हाँ, फ्रांसियम से लिथियम, फ्रांसियम से लिथियम क्या होगा? वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन, ठीक है। इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय बेंसन बर्नर, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म। ठीक अच्छा, रेडियम से एल्यूमिनियम क्या होगा? हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। जिंक से लेड, कार्बन में कुछ नहीं होता। जिंक से लेड कैन बी डीकम्पोज बाय हीट ऑफ बेंसन बर्नर एंड मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन में भी कुछ नहीं होता, कॉपर में भी कुछ नहीं होता। मर्करी से गोल्ड, कार्बोनेट्स आर टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रिएक्शन विद कोल्ड वाटर जब करेंगे, तो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर में हम देखते हैं कि फ्रांसियम से सीसियम, फ्रांसियम से रुबिडियम के जो आपके पास हैं, ठीक है, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। पोटेशियम लिथियम रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली, इनफ हीट इज प्रोड्यूस टू कॉज द गैस टू कैच फायर एंड एक्सप्लोड। रेडियम से एल्यूमिनियम, रेडियम से स्ट्रॉन्शियम को देखें तो रिएक्ट्स विगरेसली। कैल्शियम रिएक्ट्स रेडिली, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लो, और बेरिलियम एल्यूमिनियम नो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नीचे बेरिलियम से नीचे तक एंड तक नो रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें इफेक्ट ऑन हाइड्रोक्साइड्स की, तो ये इफेक्ट है हाइड्रोक्साइड्स का, ठीक है। जी ठीक है, ये इफेक्ट है आपका हाइड्रोक्साइड्स का। फ्रांसियम से लिथियम वेरी स्टेबल, नो डिकम्पोजिशन। रेडियम से एल्यूमिनियम, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कार्बन में तो कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन में भी कुछ नहीं होता। जिंक और से लेड, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। कॉपर से गोल्ड, आप कहते हो हाइड्रोक्साइड्स टू अनस्टेबल टू एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओर्स की। ओर क्या होती है? जो भी मेटल होता है ना, वो जो भी हो, वो ओर्स, एक ओर होती है उसके अंदर से निकलता है, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर्स, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग अब आती है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आयरन की एक्सट्रैक्शन हमने देख ली, और अब हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन देते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है अपने ओर बॉक्साइट से, ठीक है। वंस जब ये माइनिंग हो जाती है इसकी, और ये ओर निकाल दी जाती है, तो ये प्योरीफाई कर देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि हमको क्रायोलाइट Na3AlF6 जो है वो डालना पड़ता है कि ताकि हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दें, ठीक है। और फाइनली इसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि Al3 पॉजिटिव आयन जो है, दे माइग्रेट टुवर्ड्स द ग्रेफाइट कैथोड, फिर मोल्टन एल्यूमिनियम कलेक्ट्स एंड इज साइफंड आउट, ठीक है। ये इसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस की डायग्राम, ठीक है। कार्बन एनोड्स और कार्बन कैथोड इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बन लाइनिंग देख सकते हैं आप, कैथोड की है। नीचे जो है वो मोल्टन एल्यूमिनियम कलेक्ट हो जाता है, ऊपर जो होती है देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन मोल्टन क्रायोलाइट, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है कैथोड पर? Al3 पॉजिटिव
प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस Al, और एनोड पर इसकी इक्वेशन क्या होती है, 2O2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन O2, ठीक है। तो ये है इसकी अप्रोच। यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, अब यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है। किचन फॉयल्स, किचन यूटेंसिल्स, बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम, चम्मच, छुरी, कांटा। ओवरहेड केबल्स में भी एल्यूमिनियम हो रही होती है। फूड कंटेनर्स एल्यूमिनियम, डोर हैंडल्स एल्यूमिनियम, विंडो फ्रेम्स एल्यूमिनियम, गराज डोर, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ना आपकी जो विंडो फ्रेम्स हैं, अच्छा एल्यूमिनियम की खासियत यह है कि वो शाइन कर, उस चमकता बड़ा चमकता है, सेंस में कि वो उसको अगर आपके घर में कोई अच्छी काम वाली है जो बड़ी मेहनत से आपकी खिड़की जो है वो कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ करती है, तो आप देखेंगे तो वो खिड़की जो है उसकी जो फ्रेम होगी वो कैसे वो साफ जब होती है तो वो एक बिल्कुल ब्राइट तरीके से ना एक वो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि चमक रही होती है, ठीक है, डायमंड की तरह नहीं बट चमक रही होती है। सो ये इसकी एक जो है वो प्रॉपर्टी भी है एल्यूमिनियम की, ये बहुत चमकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि और क्या था, फूड कंटेनर्स में इस्तेमाल होता है। फूड कंटेनर्स में क्यों इस्तेमाल होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, वो कोरोड नहीं करता, तो अगर उसमें खाना पड़ा रहे कुछ भी हो तो वो खराब, ना खाना खराब होगा ना कंटेनर खराब होगा, कुछ भी नहीं खराब होगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि जो आयरन के या स्टील के प्रेशर कुकर होते हैं उसमें खाना बना के वो जल्दी से निकाल निकाल देते हैं हम, ठीक है। लेकिन जो है एल्यूमिनियम के होते हैं उसमें हम अगर खाना बन के पड़ा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो कोरोड नहीं होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हमने इधर देख लिया, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड देखेंगे, ठीक है। अब ये है जिंक ओर जो है उसको हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, जो जो जिंक ब्लेंड है इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड बाय हीटिंग विद एयर, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, Zn(S+3O2) गिव्स अस Zno+2SO2, द रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज फॉर्म इनसाइड द फर्नेस थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कार्बन जो है इट बर्न्स इन अ ब्लास्ट ऑफ वेरी हॉट एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपने उधर जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेंड से जिंक सल्फेट है जो ऑक्सीजन में रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बना दी, ठीक है, वो उधर बन गई। अब आप एक अलग रिएक्शन करते हैं जिसमें आप कार्बन और ऑक्सीजन को कंबस्टन हो रही है और CO2 बनाते हैं, CO2 को कोक के साथ रिएक्ट करके CO बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर जब उधर जहां से ये वाली जिंक ऑक्साइड बनी थी और ये CO बना था, इस इन दोनों को रिएक्ट करते हैं और जिंक और CO2 गैस बना लेते हैं, ठीक है। अब आप नोट करें कि ये जो जिंक बनी है ये गैसियस स्टेट में है, तो क्या होता है कि अब हमें गैसियस स्टेट में तो नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं कि दिस पासिस आउट ऑफ द फर्नेस एंड इज कूल्ड एंड कंडेंस्ड इन अ ट्रे प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्नेस, ठीक है। दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम बोथ व्हिच आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन द लिक्विड, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ जिंक की। तो जिंक जो है इट इज यूज इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ मेटल सच एज आयरन स्टील, खुद देखें। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक एन एलॉय कॉल्ड ब्रास, ठीक है। ब्रास ऐसी एक एलॉय है जिसमें 70% कॉपर है और 30% जिंक है, ठीक है। इसके अलावा द एडिशन ऑफ जिंक मेक्स एलॉय मच हार्डर एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट देन कॉपर अलोन, ठीक है। अच्छा जी, हो गया। अब आगे आते हैं और बात करते हैं प्रिडिक्शन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये अब आप इसकी ना पिक्चर लेते हो जी, इसकी आप पिक्चर लेते हो। अच्छा, अब ये है ना, ये प्रेडिक्शन फ्रॉम रिएक्टिविटीज में कुछ समझा नहीं है ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिक्चर लेते रहे,
पढ़ भी लें इसको, तो मैं इसको आपको ना एक्सप्लेन, अगर आपको नहीं होता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर, आ जाइएगा बात क्लास के बाद। अच्छा अब एक आखिरी चीज देखते हैं, मेटल रिसाइकलिंग। बेटा हम देख रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है वो पता नहीं किस साइड पर जा रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, अजीब ही सीन है। कभी इंसानों में वबा आ जाती है, कभी जानवरों में वबा आ जाती है। तो अब ऐसे बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ये क्लाइमेट चेंज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह का अजाब है, तौबा करनी चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग और बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पर बहुत बहस होती है, हर साल की हजारों जो है वो सेमिनार्स होते हैं इसके ऊपर, बट काम शाम कोई नहीं होता। कुछ लोग हैं जो काम करते भी हैं, और उसमें वो काम जो है वो मेटल रिसाइकलिंग के ऊपर है। हमने पढ़े थे, आपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, 3 R's जो होते हैं, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। तो उसमें हम रिसाइकलिंग अभी देख लेते हैं। अब हम रिसाइकलिंग वो नहीं रिसाइकलिंग नहीं देख रहे हैं, हम मेटल की रिसाइकलिंग देख रहे हैं। तो वो ये है कि देखो जो मेटल ओर्स होते हैं दे आर फिनिट एंड लिमिट, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई एक दिन ये जो रिसोर्सेज हैं खत्म भी होंगे, ठीक है। तो इट इज इसेंशियल फॉर अस के वी शुड रिसाइकल दैट, कि हम उसको एक रिसोर्स जो है वो जितना ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। अब रिसाइकल्ड मेटल्स में जो लिस्ट में जो टॉप के हैं वो आयरन है, स्टील है और कॉपर है, ठीक है। तो रिसाइकलिंग मेटल्स की वो भी नहीं है। अब रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स के एडवांटेजेस जो हैं वो ये हैं, इट सेव्स एनर्जी विद अ कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को रिसाइकल करने का मेन पर्पस जो है वो ये है कि इट इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस, ठीक है। रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम ओनली यूजेस 5% ऑफ द एनर्जी नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द सेम मास ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स सोर्स, ठीक है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम इतनी महंगी है, तो एल्यूमिनियम बिकती भी बहुत महंगी, कोई सस्ती चीज नहीं है बिकना, ठीक। तो रिसाइकलिंग जो है इट सेव्स लोकल अथॉरिटी कलेक्शन कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ मेटल्स फ्रॉम लैंड, ठीक है। इट इज चीपर टू रिसाइकल द मेटल देन टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। जिस चीज के जहां पर एडवांटेजेस होती हैं उधर डिसएडवांटेजेस होती है, और डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, वो ये है कि रिसाइकलिंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर, ठीक है। एक और बात यह कि कभी कभी रिसाइकलिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। रिसाइकलिंग कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो जाती है, तो ये आप भी लिख सकते हैं कि इट इज समटाइम एक्सपेंसिव। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि जरा नहीं कर सकते, वो रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, उनके पास पैसे ही नहीं है रिसाइकल, उनके पास नई चीजें खरीदने के पैसे नहीं होंगे, वो रिसाइकलिंग है, ठीक है। तो कभी कभी ये एक्सपेंसिव भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, मेटल्स का इधर जो है वो आपका सफर इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा मैं एक और बात बताना भूल गया आपको, वो ये है कि जो मेटल्स है ना उसके एक सेकेंड, बुक में 2 चैप्टर्स हैं, एक मेटल्स के नाम से है और एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के नाम से। तो मैं बड़ा टाइम कंज्यूमिंग बंदा हूं, मैंने आपको दोनों साथ ही करा दी, ठीक है। हाँ जी, ये मेटल्स, जी बिल्कुल, मेटल्स में आपने जो शुरू में देखा था कि यार मेटल्स के ये रिएक्शंस हैं, ये वो हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम जिंक वगैरह, ठीक है। तो मैंने वो एक ही उसमें आपको करा दिया, ठीक है, तो आपने घबरा।
मेटल्स का इधर सफर आपका जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्द नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आपको मिल सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्द नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह।